हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लेटेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब अपडेट आ चुका है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप इंडिया में किसी भी सिटी, डिस्ट्रिक्ट या टाउन के रहने वाले हैं, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज़ ये आपकी प्योरली वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है। सो किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, सारा स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। वीडियो को आपने कंप्लीट ज़रूर देखना है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आउट की जा चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन अपने सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clori.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप देख भी पा रहे हैं। अगर आप इसको गूगल पे टाइप करते हैं तब भी आपको फर्स्ट नंबर पे ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे लेटेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब अपडेट के बारे में। ये ऐसा जॉब अपडेट है जहां पर आपको 100% रिस्पॉन्स तो मिलेगा, लेकिन इसमें वैकेंसीज भी आपकी चॉइस की आउट हुई है। 2 से 3 टाइप की अलग अलग लोकेशन वाइज वैकेंसीज आउट हुई हैं। कहीं भी नहीं जाना, प्योरली वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है, जहां पर एप्लीकेशन फ़ी भी आपको कोई पे नहीं करनी है। चाहे आप मेल कैंडिडेट हैं, चाहे फीमेल हैं, चाहे आप रिजर्व्ड है, चाहे अनरिजर्व्ड है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है, ना इन वैकेंसीज के लिए आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि ये समझना जरूरी है। अगर आपने ये समझ लिया, आपकी आधी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट को यही नहीं समझ में आता है कि अप्लाई कैसे करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहीं पर गाइड करूँगी कैसे अप्लाई करना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको 100% इसमें रिस्पॉन्स भी मिले। तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया, 2 से 3 टाइप की अलग अलग पोजिशन के लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं। हर एक क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट आप में से एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यही बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। बात करें रिक्रूटमेंट की, सबसे पहले बात करें अप्लाई कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक सेम रिक्रूटमेंट का आप देख पाएंगे, वहाँ पर आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। लास्ट में आप देख पाएंगे रिक्वायर्ड लिंक, लिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके आप देख पाएंगे। सपोज दैट आपने फर्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आप उस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने पर आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। आपकी रजिस्ट्रेशन इसमें मस्ट होती है, कोई फ़ी नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना रहता है, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं। रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, अपना यूज़र नेम या ईमेल आईडी मेंशन करके, उसके बाद पासवर्ड मेंशन करके सिंपली आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जैसे आपने लॉगिन कर लिया, नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नेम मेंशन करना है, आपके क्वालिफिकेशन क्या है, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस क्या है, करंट या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका क्या है, एज लिमिट क्या है, एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो जो आप देख पा रहे हैं वो आपको फिल कर देनी है। जिसमें स्टार मेंशन किया है वो फील्ड मैंडेटरी है, बाकी आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके बाद आपको अपना एक लेटेस्ट रिज्यूम अपलोड कर देना है, जो कि आपका बिल्कुल लेटेस्ट हो, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें मेंशन हो, सिंपली आपको सबमिट कर देना है। इसी तरीके से अप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको री लेवल प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है, जहाँ पर एक आसान सा फ्री टेस्ट देकर आप अपनी पसंद की जॉब ले सकते हैं। कंपनीज़ की बात करें, क्रेड है, यात्रा, मीशो, स्विगी, इससे ज़्यादा भी काफ़ी सारी कंपनीज़ है, 80+ कंपनीज़ है, और 1000+ रोल्स के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई फ़ी भी आपको पे नहीं करनी है। यहाँ पर 5 टेक्निकल टाइप की जॉब है और 5 नॉन टेक्निकल की है, जिसमें HR की भी है, सेल्स की भी है, एनालिस्ट की भी है। अगर HR की बात करें तो स्टार्टिंग आपका पैकेज इसमें 4.8 लाख पर NM रहता है, अगर आप नॉर्मली अप्लाई करते हैं। बट अगर आप री लेवल के थ्रू अप्लाई करें तो 8.1 लाख पर
एनम तक आपका इसमें पैकेज रहता है। और ह्यूमन रिसोर्सेज में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप एचआर में अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ सेल्स में भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आती है। अगर आप सेल्स में बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसमें नॉर्मली अगर आप डायरेक्ट खुद किसी जॉब में अप्लाई करेंगे 3 लाख पर एनम आपको पैकेज प्रोवाइड किया जाता है। री लेवल के थ्रू 8 लाख पर एनम तक का पैकेज आपको मिल रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको सिर्फ सिंपल सा एक टेस्ट देना होता है, उसके थ्रू आपकी इसमें जॉब मिलती है। और टेस्ट के जो स्कोर है उसके बेसिस पे इसमें आपको मैकबुक, आईफोन, आईवॉच भी आप विन कर सकते हैं। कैंडिडेट है जिनका आप एक्सपीरियंस यहाँ पे सुन भी सकते हैं, जिनका नाम कौस्टव है। Gets a level goodie at the top. 3 candidates get some amazing gifts, and I got a MacBook. So it felt great. I would recommend everyone to give the level tests. बाकी साइनअप के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर आपको वहाँ पे सिर्फ साइनअप कर लेना है। जिस भी कैटेगरी के लिए इंटरेस्टेड है आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज आउट हुई है, सैलरी क्या रहने वाली है। सैलरी भी हर एक पोस्ट की अलग अलग है। इसमें आपका पर एनम की भी अगर बात करें 3.5 लाख पर एनम तक का पैकेज है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट आप में से एलिजिबल रहने वाले हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जो पोस्ट आउट की गई है बहुत इंटरेस्टिंग जॉब आपकी रहने वाली हैं। जैसे मैंने आपको बताया 2 से 3 टाइप की वैकेंसीज है। सबसे पहली पोस्ट की अगर हम बात करें, कस्टमर सपोर्ट एडवाइज़र की वैकेंसीज है जो आउट की गई हैं। बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है जिसमें आपको सैलरी भी बहुत बढ़िया पे की जा रही है, प्लस अदर अलाउंस एज पर कंपनी नॉर्म्स आपको पे किए जा सकते हैं। सो इसमें कस्टमर सपोर्ट एडवाइज़र की जो वैकेंसीज रहती है, तो आपको क्या करना है, कस्टमर को सपोर्ट करना है। मतलब उनकी कोई भी क्वेरी है आपको उनको रेजोल्यूशन देना है। यहाँ पे रेजोल्यूशन आप 2 तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पे 2 प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट है, एक है वॉइस प्रोसेस के लिए, एक है चैट प्रोसेस के लिए। सो जिसके लिए इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने ओवर द कॉल उनको रेजोल्यूशन अगर देना है, तो जो भी उनकी क्वेरी है उनको आपको रिजॉल्व करना है। मतलब उनको कोई डाउट ना रहे, या कंपनी के कुछ प्रोडक्ट है उसके बारे में उनको नॉलेज चाहिए, वो सिंपली आपका इसमें वर्क रहने वाला है। कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग आपको इसमें प्रोवाइड की ही जा रही है। बाकी अगर एज लिमिट की बात करें, कोई बाउंडेशन नहीं है, सो इसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज की आपको नॉलेज है, ज़रूर इसके लिए अप्लाई कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वीक ऑफ वीक में रहेगा, जो भी आपका वीक ऑफ रहेगा वो आपको बताया ही जाएगा, सारा कुछ आपको कंपनी की तरफ से क्लियर किया ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट टाइमिंग 24/7 मेंशन है। 24/7 मतलब आपके यहाँ पर शिफ्ट टाइमिंग 8 आवर्स की ही रहेगी, बट किस अकॉर्डिंगली रहेगी वो आपको इन्फॉर्म किया ही जाएगा। कहीं जाना तो है नहीं, घर पर रहकर ही आपको इसके लिए वर्क करना है। इसके अलावा थोड़ी बहुत आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट की अगर है अप्लाई कर सकते हैं। अब हम पहली जॉब की बात कर रहे हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें, 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएट चाहते हैं अप्लाई करना, वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो है पहला अपडेट। अब बात कर लेते हैं सेकेंड कौन सी वैकेंसी आई हुई है। सेकेंड जो जॉब आई हुई है वो भी कस्टमर सपोर्ट एडवाइज़र की है, वो है चैट प्रोसेस के लिए। मतलब सेम आपका वर्क रहने वाला है, फ़र्क इतना है कि जो मैंने आपको पहले जॉब बताई है वो उसमें आपको ओवर द कॉल रेजोल्यूशन देना है, इसमें आपको चैटिंग के थ्रू रेजोल्यूशन देना है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग जॉब आपकी रहने वाली है। एक वो आप अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज तो होनी ही चाहिए इसके लिए। सो इसके बाद अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, इसके लिए भी फ्रेशर्स एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, आपको वीक ऑफ तो मिलेगा पर वीक। इसके अलावा अलग लीव्स कंपनी की तरफ से जो होती है वो आपको, जैसे आप ज्वाइन करते हैं ना, स्टार्टिंग के 4 मंथ में नहीं मिलेगी, बट वीक में एक छुट्टी आपको मिलेगी। तो अप्लाई ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर आपको जॉब अच्छी मिल रही है घर पर बैठे बैठे, तो लीव्स मुझे नहीं लगता मैटर करती हैं। सो अप्लाई आपको ज़रूर करना है। इसके लिए भी 24/7 आपके शिफ्टिंग टाइम रहने वाला है। इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें, 12th ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना इसके लिए स्टार्ट हो चुका है, सो अपने अकॉर्डिंगली आपको इसके लिए अप्लाई करना है। बाकी इन्होंने डायरेक्ट एचआर का यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन किया है, आप चाहो उनसे आप बात भी कर सकते हैं। अगर स्किल्स की हम इसमें बात करें, तो आप में मल्टीटास्किंग स्किल्स होने चाहिए। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में होने चाहिए। मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको किस तरीके से आप अपने एंड से सॉल्व कर सकते हैं,
सिर्फ वही स्किल्स आप में होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। और इसके अगर बात करें कौन सी कंपनी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है, तो ये जो वैकेंसीज है टेकएम मतलब टेक महिंद्रा की तरफ से वर्क फ्रॉम होम जॉब अपडेट आया है। अप्लाई आपको ज़रूर से कर लेना है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसका दे ही दिया है। सो इसके अलावा वैकेंसीज आइए हमारी ऑफिशियल साइट पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वेबसाइट आप देख भी पा रहे हैं। आप इसको गूगल पे टाइप करेंगे तब भी हमारी साइट आपको मिल जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।